नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रीट भर्ती परीक्षा 2020 की यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आई है। आप लोगों को मैं सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं सारी जानकारी। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, हम लोग फेसबुक के जो है अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनके जो है ऑफिशियल पेज पर हैं और आप लोगों को यहाँ पर दिखाते हैं। मंत्री जी की ने यहाँ पर एक ऑफिशियल ट्वीट डाला है, प्रदेश के और देश के वर्तमान आर्थिक हालात में युवाओं के लिए यहाँ पर एक अहम मीटिंग हुई थी कल, और जो है उनके साथ मीटिंग हुई थी। मीटिंग में ये वार्ता की गई है कि जो भी अभी भर्ती प्रक्रिया हैं उनको सभी को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए और जो बेरोजगार युवा हैं उनको जल्दी से जल्दी जो है रोजगार मिले। और साथ ही में उन्होंने एक बड़ी बात ये भी करी है कि जो 50,000 भर्तियां आनी है उनको भी जल्दी से जल्दी यहाँ पर करवाया जाए, ताकि जो है युवाओं को उनकी भर्ती प्रक्रिया में जल्दी से ज़्यादा दिक्कत ना आए। रीट के बारे में भी उन्होंने चर्चा करी। आप इस पोस्ट को पढ़िए, फेसबुक के ऑफिशियल पेज पर आप लोग जाकर के इसको पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ही आपको बताएंगे। तो उन्होंने इस बारे पर जो है वार्ता भी करी। और आपको ये भी बता दूं कि जैसा कि हमने अपनी कल की वीडियो में भी बताया था आपको कि खबरें हैं कि जो अगस्त के महीने में जो है रीट की भर्ती प्रक्रिया आएगी। हालांकि जो पैटर्न है और जो सिलेबस है ये अभी तक डिसाइड करने में मीटिंग पहले हुई थी, लेकिन अभी तक अच्छे से डिसाइड नहीं हो पाया है, क्योंकि जो है राजस्थान की हिस्ट्री को जोड़ने की बात कही जा रही है ताकि राजस्थान के जो युवा उनको फ़ायदा हो सके। क्योंकि हर बार जो है युवा फिर ये करते हैं कि बाहर के लोग आकर के परीक्षा देते हैं तो हमको नुकसान होता है, तो ये वाली बातों की वजह से अब राजस्थान की अगर हिस्ट्री जुड़ी जाएगी तो राजस्थान के जो युवा हैं उनको यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा। तो इस बात को लेकर के भी यहाँ पर बातें चल रही हैं। हालांकि अभी ये ऑफिशियल कुछ भी इसके बारे में नहीं आया है, जैसे ही कोई ऑफिशियल जानकारी आती है तो आप लोगों को हम अपडेट करते ही रहेंगे। बाकी अभी का अपडेट यही था कि कल जो है मंत्री जी से काफ़ी बड़ी जो है मीटिंग हुई, उन पे उन्होंने सारी बातचीत करी। सारे जो है मीटिंग में बातचीत हुई और जो भर्ती प्रक्रियाओं के बारे में जो पुरानी प्रक्रिया उनको पूरा करने की और जो अभी भविष्य में जो भर्ती आ रही उनको भी जल्दी से जल्दी पूरा करवाने के बारे में बातचीत यहाँ पर करी गई। बाकी सिलेबस पैटर्न बारे में जैसे ही कोई अपडेट आएगा आप लोगों को सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल जाएगा। हमारे चैनल पर आप लोग ऐसे ही बने रहिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।